थोड़ा सा और जगह हमारे पास वैसी है कि मैं इस सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूँ। अब ज्यादा मुश्किल है, मेरा मोबाइल जेब में रह गया, इसकी स्क्रीन टूट जानी है अगर इसको मैं ना निकाला तो ये जो जगह है ना पीछे, ये तंग हो गई है। और अगर मैं आपको दिखाऊं मेरी पोजीशन इस वक्त कुछ ये है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हैदर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शहरी टेल्स। जब से हम लोगों ने ये पिंजरा बनाया है, इस पिंजरे की हमने सफाई नहीं की। कैसे करते, इसके अंदर जाना इंतहाई मुश्किल है, नामुमकिन हद तक मुश्किल है इसके अंदर जाना, क्योंकि पहले तो ये बिल्कुल खाली था, नीचे मिट्टी वगैरह भी नहीं थी, सफाई हमने की थी और वो वाली जाली भी नहीं लगी थी, ये वाला दरवाज़ा भी नहीं लगा था, मुर्गियाँ भी नहीं रखी हुई थी। लेकिन अब इसके अंदर मुर्गियाँ भी पड़ी हैं, दोनों तरफ जाली भी लगी हुई, दरवाज़ा भी लगा हुआ है और नीचे मिट्टी भी है, इसलिए इसके अंदर जाना ना बहुत ही मुश्किल है। जब से हमने ये पिंजरा बनाया है इसकी हमने सफाई नहीं की। आज फाइनली मैंने सोचा कि इसकी सफाई करते हैं, किस तरीके से करनी है वो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। पहले तो इन मुर्गियों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, इन मुर्गियों को बाहर निकाल कर इस पिंजरे के अंदर रखते हैं, या फिर वो हमारे पास पीछे बड़े पिंजरे पड़े हैं उनके अंदर रख देंगे, और फिर हम इसके अंदर जाकर इसके अंदर पहले शीट बिछाएंगे। इसके नीचे सारी मिट्टी मैंने फेंकी हुई थी मुर्गियों के लिए, लेकिन अब इसके नीचे पहले शीट बिछाएंगे और उसके बाद इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर किस तरीके से जाने, ये लकड़ी वाली सीढ़ी है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहीं से मतलब थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर जाते हैं और जाकर इसकी थोड़ी सी सफाई वगैरह करते हैं। और वहाँ पर मैंने एक लकड़ी भी लगानी है इनके बैठने के लिए, तो स्टैंड वगैरह लगाना है वो भी लगाते हैं। अभी सबसे पहले तो इन मुर्गियों को पकड़ते हैं, इनको पकड़ना भी इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी पकड़ते हैं इनको, और इनको पकड़ कर इस पिंजरे में डालते हैं और फिर उसके बाद हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं। इनको पकड़ने के लिए थोड़ा सा तंग होना पड़ेगा। यहाँ से मैं पानी वाली ये जो कैन है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये भी सारा भरा पड़ा है, इसको पहले हटाता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जगह हमारे पास वैसी है कि मैं इस सीढ़ी के ऊपर खड़ा हूँ, ये जो नीचे आपको सीढ़ी नज़र आ रही है और वहाँ पर दूसरी सीढ़ी है, कुछ इस तरीके की जगह है हमारे पास। यहीं से खड़े होकर इनको पकड़ना पड़ेगा और इसकी सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। इतना टाइम लगाने के बाद एक मुर्गी हमने पकड़ी है, इसको मैं इस पिंजरे के अंदर डालता हूँ। अभी बाकी भी पकड़ते हैं। दूसरी सारी मुर्गियां मैंने यहां से पकड़ ली हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी मैंने वहां से पकड़ ली हैं। अब टाइम है इसके अंदर जाने का, इसके अंदर जाते हैं। पहले मैं इन मुर्गियों को छाया में रख देता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ। अब हम उसके अंदर जाते हैं। पहले तो यहाँ से कोई शीट वगैरह या फिर कपड़ा ला कर यहाँ पर नीचे बिछाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सारी मिट्टी है और मैं नहीं चाहता मेरे कपड़े ज़्यादा ख़राब हों। मैं दाने की डब्बी वगैरह बाहर निकाल देता हूँ, और अब टाइम है यहाँ से साफ़ सफाई करने का। यहाँ साफ 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 सफाई करते हैं। इसके अंदर कैसे जाना है मुझे पता है, शीट एक नीचे पड़ी हुई है, इस काफ़ी बड़े साइज़ की शीट है, वो शीट लेकर आता हूँ, इसके नीचे बिछाते हैं और फिर हम इसके अंदर चलते हैं। ये वाली वो शीट है जिसको हम
उसके अंदर भी चलेंगे और फिर उसके अंदर चलेंगे। ये शीट हमने इसके अंदर बिछा दी है, आपके यहाँ से नज़र आ रही होगी, साफ़ सुथरी सीट है। अब टाइम है इसके अंदर जाने का, इसके अंदर जाते हैं। ब्रश वगैरह यहाँ पे रख देता हूँ साफ़ सफाई करने के लिए जो चाहिए, और थोड़ा सा हमने काम उस जाली पर करना है। मैं अपना सामान ले लेता हूँ जो काम हमने उस जाली पर करना है, ताकि हमें अंदर जाकर कोई मुश्किल ना हो। अब ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर मैंने पीछे ईंटें वगैरह भी रखी हुई हैं। अब ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैंने इसके पीछे ईंटें वगैरह भी रखी हुई हैं, तो ये जो जगह है ना पीछे, ये तंग हो गई है। पहले तो हम गए थे कि मेरा मोबाइल जेब में रह गया, इसकी स्क्रीन टूट जानी है, अगर इसको मैं ना निकाला तो ये थोड़ा सा और। अब तो मुझे कुछ ज़्यादा ही तंग लग रहा है लास्ट टाइम से। लास्ट टाइम आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैं इतनी मुश्किल नहीं हुई थी इसके अंदर आने की, लेकिन अब तो ज़्यादा मुश्किल हो रही है, जगह अब ज़्यादा तंग हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा काम करते हैं हमने, ये जो स्टैंड है ना इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा कर, तो ये लकड़ी को यहाँ पर लगाना है मुर्गियों के बैठने के लिए, कुछ इस तरीके से। इस लकड़ी को हमने यहाँ पर लगाना है, पहले हम ये लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसकी साफ़ सफाई वगैरह करते हैं थोड़ी सी शीट को यहाँ से उठाकर, तो फिर इसकी जो बाकी साफ़ सफाई वगैरह है वो हम करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने काम को शुरू करते हैं। अब बारी है दूसरी साइड पर लगाने की, इस साइड पर लगाने की। इस साइड पर लगाता हूँ कील एक अदर, ये लगा तो लिया हमने, लेकिन मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि कामयाब रहने वाला है, क्योंकि लकड़ी जो है वो दोनों साइडों से फट गई है। ये पेच मैंने लगाया है लेकिन ये दोनों साइडों से फट गई है, मुझे नहीं लगता ये कामयाब रहने वाला है। इतना तंग होने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस बार तो, लेकिन खैर हम यहाँ पर सफाई करने के लिए अंदर आए थे, इतनी जो तंगी उठाई है वो यहाँ से थोड़ी बहुत सफाई करनी थी, सफाई कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मिट्टी जो है यहाँ पर हमने नीचे जो मिट्टी फेंकी हुई है ये मिट्टी भी चेंज करते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, मेरे पसीने से भीग चुका हूँ पूरी तरह। और अगर मैं आपको दिखाऊं मेरी पोजीशन इस वक्त कुछ ये है, यहाँ से बाहर निकलता हूँ। इस दफ़ा तो ज़्यादा तंगी हुई है, और मुझे लगता है कि मेरा आखिरी दफ़ा था इस पिंजरे के अंदर जाना। मैं अपना सामान वगैरह वहाँ से बाहर निकालता हूँ और फिर शीट वगैरह उठाता हूँ यहाँ से, और फिर हम यहाँ पर अपने चूज़ों को मुर्गियों को दोबारा इसके अंदर छोड़ते हैं। शीट हमारे काम आई है इसलिए इस शीट को हम संभाल कर ही रखेंगे। अगली दफ़ा अगर हमने हिम्मत की इसके अंदर जाने की तो ये सीट हमारे फिर से काम आएगी।
अभी यहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई मैं करता हूँ और मिट्टी भी चेंज करते हैं, जो मिट्टी के ढेले बने हुए हैं इनको तोड़ता हूँ। यहाँ से सफाई हमने कर ली है, अब बारी आती है इसके अंदर पानी वाला डब्बा रखने की, दाना रखने की। दाना अभी दोपहर को मैं इनको ये वाला नहीं डालता, बाजरा वगैरह नहीं डालता, दूसरा दाना डालता हूँ पालक लेके आकर। तो पालक लेके आकर डालते हैं और यहाँ पर पहले मैं पानी वाला डिब्बा रख लेता हूँ, ये वाला डिब्बा जो हमने बाहर निकाला था इसको पहले मैं इसके अंदर रखता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब हम इसके अंदर अपने चूज़ों को छोड़ते हैं, चूज़े भी काफ़ी उदास हो रहे होंगे यहाँ पर, ये वाले इन चूज़ों को मैं इसके अंदर छोड़ता हूँ। अब इनकी बारी आ गई है वापस जाने की। इस छोटे पिंजरे के अंदर हम ला कर रखेंगे तोते, और ये मुर्गियों के लिए नहीं है, इसके अंदर हमने तोते ही रखने हैं। तोते कब लेकर आते हैं देखो, अगली वीडियो में ले आते हैं या फिर उससे अगली वीडियो में, लेकिन ये पिंजरा तोतों के लिए ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको बाहर निकालता हूँ और इनको पकड़ कर हम अंदर छोड़ते हैं। बाहर ना छलांग लगा दे फिर से ये। ये वाला सबसे छोटा है इनमें, आई थिंक पूरा ब्लैक है ये, माशाल्लाह। अपने पिंजरे के अंदर आ गए, ये बड़े खुश होते हैं। अभी ये खाली हो गया, इस पिंजरे के अंदर हमने खुमरे लेकर आने हैं या फिर हम तोते लेकर आएंगे। ऑस्ट्रेलियन पैरट्स इसके अंदर पहले मैंने रखे थे और इसके अंदर पहले मैंने लव बर्ड्स भी रखे हुए थे। तो पिंजरे मेरे पास काफ़ी पड़े हैं, वहाँ पर भी आपको पीछे पिंजरे नज़र आ रहे होंगे, पिंजरे मेरे पास काफ़ी पड़े हैं। अब सीज़न आ गया इन पिंजरों को रिफिल करने का, तो हम इन पिंजरों को रिफिल भी करेंगे। कबूतर, खुमरे, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, रिंग नेक पैरट्स, ये सब कुछ लेकर आकर हम यहाँ पर रखेंगे। फिलहाल हम इन मुर्गियों को पालक ला कर डालते हैं। पालक देते हैं, ये देखें, इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक कर देना है, और जो बाकी मेरे पिंजरे पड़े हुए हैं उनकी अपडेट लेने के लिए उनके अंदर हम क्या रखते हैं, क्योंकि सीज़न आ चुका है कबूतरों का, तोतों का, रिंग नेक पैरट्स का सीज़न आया है। रिंग नेक पैरट्स के बच्चे मैंने लास्ट सीज़न में पाले थे, छोटे छोटे बच्चे थे एक एक हफ्ते के, तो मैंने वो पाल कर खुद बड़े किए थे, चार बच्चे मैंने पाले थे। इस सीज़न में भी हम रिंग नेक पैरट्स के बच्चे लेकर आएंगे और उनको हम पाल कर बड़ा करेंगे। उन वीडियोस को देखने के लिए आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।